जुगाड़ देसी लोगों का इजाद किया वो हिडन टैलेंट है जिसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री की जरूरत नहीं होती। अपने इसी टैलेंट के दम पर कुछ लोग ऐसे ऐसे देसी जुगाड़ बना डालते हैं जिन्हें देखकर विदेशी वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ये जुगाड़ न सिर्फ नामुमकिन दिखने वाले काम को मुमकिन बनाते हैं बल्कि उन्हें बेहद कम खर्च में भी निपटा डालते हैं। यही वजह है कि देसी जुगाड़ के वीडियोस बड़े चाव से देखे जाते हैं। आपने हमारी इंडियन जुगाड़ सीरीज के हर पार्ट को भर भर कर प्यार दिया है। आपके इसी प्यार के चलते हम पूरा इंटरनेट खंगाल कर आपके लिए लाए हैं इंडियन जुगाड़ सीरीज का पार्ट 4, जो न कि सिर्फ आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा बल्कि एक भारतीय होने का फक्र भी महसूस करवाएगा। तो देर किस बात की। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना न भूलें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के डेटा के मुताबिक 142,86,00,000 आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अब जब इतनी आबादी होगी तो हर जगह भीड़ तो होगी ही। मेट्रो भी इससे अछूती नहीं है लेकिन जुगाड़ी लोग हर जगह जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। यहाँ इस लड़के ने सीट पाने के लिए जो किया वो देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लोगों को लगा कि लड़के को मिर्गी का दौरा आया है जिसके बाद उन सबका रिएक्शन भी देखने लायक था। लेकिन बैठने के बाद भी ये लड़का कहाँ रुकने वाला था। उसने एक बार और दौरा पड़ने की एक्टिंग की और फिर आराम से बैठ गया। इसी तरह ये लड़की मंजुलिका बनकर मेट्रो में एक्टिंग करने लगी तो ये बंदा उसका डरावना रूप देखकर सीट छोड़कर ही भाग खड़ा होता है। इसके बाद ये लड़की वहां बैठ जाती है। बड़े बड़े देशों में कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स महंगी महंगी मशीनों का यूज करते हैं लेकिन हमारे इंडिया के देसी इंजीनियर ऐसे कुछ काम अपने हिडन टैलेंट से ही कर लेते हैं जैसे कोई मामूली बात हो। वाकई ये आइडिया तो क्रांति ला देगा। इधर इस बंदे ने स्कूटर की रेस दी और इसी के साथ उधर रस्सी के सहारे कंस्ट्रक्शन का ये सामान पहले माले, दूसरे माले, तीसरे माले से होता हुआ चौथे माले पर पहुंच गया। वाह जी वाह, ऐसा जुगाड़ तो सिर्फ भारतीय ही कर सकते हैं। इस बंदे ने घर पर ही ट्रेडमिल करने का जुगाड़ ढूंढ लिया है। इसने सबसे पहले तो बर्तन धोने वाले लिक्विड को फर्श पर गिराया। बस इतने भर से तैयार है दुनिया का सबसे सस्ता ट्रेडमिल। अब कोई भी इस पर जितनी चाहे रनिंग कर सकता है। इस धांसू जुगाड़ को तो जुगाड़ ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, है कि नहीं। इसी तरह अब देखिए ये अतरंगी जुगाड़, ये ऑटोमेटिक डोर क्लोजर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए ना। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 2000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर ठोक दीजिए अपना लाइक। कहने वाले सही कहते हैं कि खुशियां रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती लेकिन हाँ, जुगाड़ से जरूर बटोरी जा सकती है। इस जुगाड़ के झूले पर झूलकर इस बच्चे के चेहरे पर पसरी मुस्कान यही बात साबित करती है। इसी तरह इस बच्चे ने टूटे फूटे बर्तन और कबाड़ से खुश होने का ऐसा जुगाड़ निकाला है कि इसे देखने वाले भी खुश हो जाते हैं। आप भी इसकी काबिलियत पर वाह वाह ना कर दो तो कहना। इसी तरह अब इस जुनूनी जुगाड़ी को भी देख लीजिए जिसने लकड़ियों को जोड़कर ऐसी जेसीबी बनाई कि सब देखते रह गए। फंक्शनिंग के मामले में ये असली जेसीबी से कम नहीं है। कोविड के बाद से ऑनलाइन क्लास का बोलबाला हो गया है लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी के पास हाईटेक कंप्यूटर हो। ऐसे ही इस जुगाड़पुर के राजा ने माउस कीबोर्ड को अपने मोबाइल से जोड़कर
ऐसा कंप्यूटर बनाया कि आप भी तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ये किया स्कूटर स्टार्ट और फिर बैठने लगी सवारी। एक, दो, तीन और चार। एक स्कूटर और चार सवार। यूं तो स्कूटर दो सीटर होता है, लेकिन इस चच्चा ने जुगाड़ लगाकर इसे दो से चार सीटर बना लिया है। लो जी, अब तो गड्डी चली छलांग मार दी। वहीं इस बंदे ने अपने मोबाइल को ओला स्कूटर के स्पीकर से कनेक्ट करके ऐसा जुगाड़ लगाया कि पूरा ग्राउंड उसकी कमेंट्री से गूंज उठा। भाई मानना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से कोई न कोई जुगाड़ लगाकर हम भारतीय अपना काम निकाल ही लेते हैं। ड्रोन एक महंगा इक्विपमेंट है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन शौक तो बड़ी चीज है जिसे किसी भी हद में नहीं बांधा जा सकता। ड्रोन के शौकीन एक बंदे के पास पैसे नहीं थे, तो क्या हुआ, दिमाग तो था, लगाया जुगाड़ और बना दिया घास फूस और लकड़ी के डंडों को जोड़कर ये शानदार ड्रोन। अब भी किसी को जुगाड़ी लोगों के टैलेंट पर शक हो तो इस किसान का ये आविष्कार देख सकते हैं, जिसमें उसने फसलों पर छिड़काव करने के लिए इस साइकिल को ही ड्रोन बनाकर उड़ा दिया। इस किसान का तो क्या ही कहना, खेत से जानवरों को भगाने के लिए जिसका बनाया ये जुगाड़ देखकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। देख लिया, अब आप उसका आइडिया भी सुन लीजिए। पीड़ान का कर खेत के अभी मैं आयोड़ो तो मैं वो नजारो देखो तो मन नहीं लगे कि यार बात तो अलग है। टन 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 बाजे नहीं जदे, मतलब रात ने जो वो आवारा पशु को यहाँ चल रहे हो सार दिन सारी रात। और जुगाड़ गए मैं अपनो हिंदुस्तान भी बहुत आगे है, ये तो सब जुगाड़िया ने आज रील गए मैं सैल्यूट करो, शुक्रिया। इसी तरह ये किसान तो उससे भी चार कदम आगे निकला, जिसने पंखे और लोहे की चेन को जोड़कर खेत से जानवर भगाने का शानदार जुगाड़ बनाया है। अब जरा ये कमाल का आइडिया भी देख लीजिए, जिसमें इस किसान भाई ने छाते और बोतल से इस तरह वाटर हार्वेस्टिंग की कि सब वाह वाह करने लगे। दोस्तों, आपके लिए एंटरटेनमेंट वीडियो बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस रेड कार को देखकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ये कोई कार नहीं बल्कि इस जुगाड़ू मैन के दिमाग का कमाल है, जिसने बेकार सी कार को शानदार दरवाजे में तब्दील दिया। इस जुगाड़ को तो 100 तोपों की सलामी। वाह भैया जी, आपने तो मौज कर दी। इसी तरह चचा ने तो पुरानी गाड़ी के कबाड़ को जोड़कर गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन ही तैयार कर डाली। इसे बनाने में बंदे का एक डेला भी खर्च नहीं हुआ, बोले तो एकदम फ्री। रनवे पर तैयार यह हेलीकॉप्टर अब उड़ान भरने को तैयार है। लो जी, ये अब दौड़ने लगा और रफ्तार पकड़ने के साथ ही सड़क से होता हुआ धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगा। अब सुनिए हैरान कर देने वाला खुलासा, ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी के देसी दिमाग की क्रिएटिविटी है, जिसे उसने कबाड़ हो चुकी कार से बनाया है। क्यों है ना सुपर से भी ऊपर। इसी तरह इस भाई ने अपनी बाइक से इस ओवरलोड ट्रक को ही खींच लिया। मनोरंजन में कोई कमी रह गई हो तो बताना। उसी तरह मध्य प्रदेश के ये चचा ने भी अपने ट्रैक्टर को मालगाड़ी ही बना डाला। ट्रैक्टर से एक के बाद एक इतनी गाड़ियां बांध दी कि लोग गिनते गिनते थक गए। हम इंडियंस इतने क्रिएटिव हैं कि अपने आइडियाज से हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। नदी पार करने की इस बंदे की ये निंजा टेक्निक इसी बात का उदाहरण है। वाकई इस बंदे का टैलेंट तो अलग ही लेवल का है। इंडिया में बारिश मतलब सड़क पर कीचड़ ही कीचड़, लेकिन देसी जुगाड़ू इस कीचड़ को पार करने के लिए भी जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, जैसा कि इस भाई ने निकाला है। इसी तरह कीचड़ से भरी इस गली को पार करने के लिए ये बंदा लोकल स्पाइडरमैन ही बन गया। इस वीडियो में लोग म्यूजिक और लाइट पर डिस्को डांस कर रहे हैं,
और इस एम्बियंस का क्रेडिट जाता है इस भैया जी को, जो म्यूजिक रिदम के साथ प्लग्स को इन आउट कर रहा है कि बार बार जल बुझ रही ये लाइट्स डिस्को का फील करवा रही है। भैया जी के इस जुगाड़ पर थोड़ा आप भी झूम जाइए। इसी तरह इस भाई ने गायों को मच्छरों से बचाने के लिए क्या शानदार जानदार जुगाड़ बनाया है। इसने पहले तो नीम के पत्तों को जलाकर देसी मोर्टिन बनाई, फिर उसके धुएं के पास घूमने वाला एक पंखा रख दिया। अब पंखा जैसे दाएं बाएं घूम रहा है, वैसे वैसे इसका धुआं बाड़े के कोने कोने तक पहुंच रहा है। अब देखिए जुगाड़ ऑफ द ईयर, जिसमें इस भाई ने चारपाई में ही इंजन फिट करके इसे चलती फिरती गाड़ी बना दी। इमरजेंसी के दौरान ये बहुत काम की साबित होने वाली है। इंडिया में जुगाड़ को पॉजिटिव नजरिए से देखा जाता है, इसलिए इंडिया जितने जुगाड़ शायद ही कहीं देखने को मिले। यहाँ कार में बैठे इस बंदे ने चप्पल को मोबाइल स्टैंड बना दिया, तो वहीं इस लड़के ने बालों को सुखाने के लिए हैंड ड्रायर को ही हेयर ड्रायर बना दिया, तो वहीं इस लड़के ने सड़क साफ करने की ये तगड़ी तरकीब निकाली है। ये सब के सब जुगाड़ मेड इन इंडिया है, जो आपको भारतीय होने पर गर्व कराने के लिए काफी है। तो दोस्तों, ये थे टैलेंटेड भारतीयों के शानदार जुगाड़। इन्हें देखकर लगता है कि भारत बहुत जल्द आत्मनिर्भर देश बन जाएगा। आपको इनमें से कौन सा जुगाड़ सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द मिलते हैं आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।